सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें अश्वस्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार। आचार्य द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने की तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में आएंगे, अवतीर्ण होंगे। समय आने पर शावंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के महाशाली पुत्र अश्वस्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वस्थामा आज भी अमर है और वह आज भी धरती पर निवास करते हैं। अगर हम देखें कि शिव महापुराण के अंतर्गत, रुद्र संहिता के अंतर्गत देखा जाए तो अश्वस्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे, जहाँ पर भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित हैं, वहाँ पर वो निवास किया करते हैं। और निवास बताया गया है, परंतु कोई ऐसी जगह नहीं बताई गई है कि जहाँ पर्टिकुलर ये बताया गया हो कि यहाँ पर अश्वस्थामा निवास करते हैं। ये जरूर कहा गया है कि गंगा के पामन कुलिन के पास में जो शिव मंदिर हैं, उन शिव मंदिरों में भगवान अश्वस्थामा निवास करते हैं और भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान शिव के पूजन को करते हैं। सबसे पहले आते हैं, मंदिर के पट भी बंद होते हैं, फिर भी आकर के वो फूल माला इत्यादि समर्पित करके, चढ़ा करके और पुनः प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसी भी चर्चाएं भारतवर्ष में श्रवण करने को प्राप्त होती हैं। अश्वस्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो, जब अश्वस्थामा मारा गया उसी समय भगवान ने, श्याम सुंदर ने शंख बजाया तो उसमें इतना तो सुनाई दिया था, अश्वस्थामा हतो हता। अब जैसे ही हतो हता हुआ तो शंख बजा दिया गया, कहा गया नरो वा कुंजरो, नर मरा या हाथी मरा। एक हाथी भी अश्वस्थामा था और एक व्यक्ति भी अश्वस्थामा था, तो अश्वस्थामा हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ। नरो वा कुंजरो ये किसी ने श्रवण नहीं कर पाया। आज भी अश्वस्थामा हैं और जहाँ पर गंगा नदी है वहाँ पर जो शिव हैं उनका आज भी वो पूजन और ध्यान करते हैं। मित्रों, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ।